आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। हेलो दोस्तों, Realme स्मार्ट वॉच हो गई है कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्टेड, जहां से उसके सारे स्पेसिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। साथ में आपको बताऊंगा टिकटॉक की रेटिंग इंडिया में लगातार प्ले स्टोर पर गिर रही है, उसके अलावा मोटरोला एज प्लस आज इंडिया में हो गया है ऑफिशियली लॉन्च, और भी ढेर सारी टेक न्यूज होंगी हमारे आज के एपिसोड में। तो देखते रहिए वीडियो लास्ट तक। मैं हूं अशोक और आप देख रहे हैं शुगर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा कल वाला पोल जो मैंने आपसे पूछा था कि आप कौन सा ऐसा स्मार्टफोन ब्रांड है जिसको मिस कर रहे हैं, जो अभी मार्केट में लगभग ओझल सा हो चुका है, HTC, ब्लैकबेरी, पैनासोनिक या फिर BenQ। तो 83% लोगों ने सिलेक्ट किया है कि वो HTC के स्मार्टफोन को मिस कर रहे हैं। उसके अलावा 17% लोगों ने कहा कि BenQ के स्मार्टफोन्स को मिस कर रहे हैं, बाकी ब्लैकबेरी और पैनासोनिक को किसी ने नहीं पूछा है। आपकी राय है? आज के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं सवाल देने वाला हूं कि आपको स्मार्ट वॉच में कौन सा फीचर सबसे ज्यादा पसंद है कि वो आपके लिए होना ही चाहिए। 24/7 आपका ब्लड प्रेशर, 24/7 आपकी हार्ट रेट मॉनिटरिंग, उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग या फिर स्लीप मोड, सिलेक्ट करना मत भूलेगा आज के पोल में अपना जवाब। तो सबसे पहली न्यूज निकल के आ रही है दोस्तों, सैमसंग ने 50 मेगापिक्सल का नया अपना आइसोसेल सेंसर कर दिया है लॉन्च, जिसका नाम है आइसोसेल G1, और ये पहला सेंसर होने वाला है जिसमें कि आपको ड्यूल पिक्सल के साथ में टेट्रा सेल टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी ये सेंसर कौन से फोन में आने वाला है, सैमसंग खुद के अपने फोन में लाएगा या फिर कोई दूसरी कंपनी इस पे काम करने वाली है, अभी ये तो ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन इंतजार करते हैं कि जल्दी हमें शायद कोई मिड रेंज स्मार्टफोन या प्रीमियम जो लो रेंज स्मार्टफोन है उसमें देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों, IQOO Z1 स्मार्टफोन आज ऑफिशियल हो गया है Dimensity 1000 प्लस चिपसेट के साथ में लॉन्च। वैसे आपको बता दूं कि ये कोई नया फोन नहीं है, रीब्रांड है IQOO न्यू 3 5G का। बस इसमें डिस्प्ले में आपको जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज का मिल रहा है, उसके अलावा Dimensity 1000 प्लस है, 48 मेगापिक्सल के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ में फोन आ रहा है। अगले न्यूज़ है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 की डिजाइन रिवील हो गई ऑनलाइन। ये एक स्केच है जो कि ऑनलाइन सरफेस हुआ है और जिसमें दावा किया जा रहा है कि ये नोट 20 का ही स्केच है। कितनी सच्चाई है ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन स्केच में डिजाइन वही हमें नोट का जो ट्रेंड है अपना फ्लैट स्क्रीन वो हमें देखने को मिलेगी, पीछे की तरफ हमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिल रहा है LED फ्लैश लाइट के साथ में। अब ये कितना सच है ये तो इंतजार करते हैं इसकी तस्वीर और साफ होने का। अगले न्यूज़ है दोस्तों, MS Fit Aris हो गई है आज ऑफिशियल लॉन्च, जिसमें कि रग डिजाइन मिल रही है आपको, 70 से ज्यादा मिलेंगे स्पोर्ट्स मोड, 14 दिन का मिलेगा बैटरी बैकअप, बढ़िया से 14 दिन तक काम करेगी, 4 डिफरेंट कलर वेरिएंट में आपको मिल जाएगी, उसके अलावा एंड्रॉइड iOS दोनों पर आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। इंडियन मार्केट के लिए अभी इंतजार करते हैं कब तक ये Xiaomi का सब ब्रांड लेके आता है अपनी इस स्मार्ट वॉच Aris को। अगली न्यूज़ है दोस्तों, Redmi 10X स्मार्टफोन का टीजर कंपनी ने ऑफिशियल रिवील कर दिया है, 26 मई को फोन लॉन्च होने वाला है, और इस टीजर से पता चल रहा है कि जो अभी तक अफवाह चल रही थी कि K सीरीज का ही रीब्रांड फोन होने वाला है, तो ऐसा तो मुमकिन नहीं लग रहा है कि ये K सीरीज को ही रीब्रांड किया गया है। ये एक नया फोन है जो कि Dimensity 820 SoC चिपसेट के साथ में आ रहा है, 5G कनेक्टिविटी सपोर्ट देगा, और साथ में AnTuTu पर स्कोर भी इसने कमाल का किया है, इस चिपसेट के साथ में 4 लाख से ज्यादा कंबाइन स्कोर किया है। बाकी फोन जब 26 तारीख को लॉन्च होता है तो इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो खूबियां हैं वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से पता चल सकेंगी। अगले दोस्तों, एप्पल ने अपनी स्मार्ट वॉच के 2 प्राइड एडिशन नाइकी के साथ में मिलके कलरफुल और वाइब्रेंट डिजाइन के साथ में कर दिए हैं लॉन्च, जो कि प्राइस लगभग $350 के आसपास इसकी रह सकती है। बाकी क्या इंडिया में भी ये दोनों वेरिएंट कंपनी लेके आएगी, इंतजार करते हैं कंपनी की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल कंफर्मेशन आने का। अगली न्यूज़ दोस्तों, रियलमी स्मार्ट वॉच जो कि काफी समय से इंतजार हो रहा था मार्केट में, फाइनली कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिस्टेड कर दिया है। 1.4 इंच की मिलेगी टच डिस्प्ले, ₹3500 के आसपास इसकी प्राइस फ्लिपकार्ट पर रहने वाली है, 5000 के अंदर सेगमेंट में ये स्मार्ट वॉच परफेक्ट आपके लिए चॉइस हो सकती है अगर लॉन्च होती है इसी रेंज में। साथ में आपको बताऊं 4 कलर वेरिएंट है, 14 से ज्यादा स्पोर्ट्स मोड, स्लीपिंग मोड, उसके अलावा आपकी 24/7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग, उसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटरिंग भी आपको इसमें सपोर्ट मिलने वाला है। बाकी इंतजार करते हैं इस स्मार्ट वॉच के लॉन्चिंग होने का। अगली न्यूज भी दोस्तों, Realme से 25 तारीख को Realme एक लॉन्चिंग इवेंट करने जा रहा है, जहां पर बहुत सारे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करेगा, उसमें से एक फोन है X3 सुपर जूम, इसकी टीजर हो गया रिवील, जिससे पता चल रहा है कि 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ में 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, क्वाड कैमरा मिलने वाला है, उसके अलावा हमें मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट देखने को। बाकी इंतजार करते हैं इस फोन के लॉन्च होने पर क्या प्राइस इस फोन के निकल के आते हैं। अगली न्यूज है दोस्तों, टिकटॉक को लेकर बड़ी दिलचस्प फाइट इंडिया में टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब को लेकर चल रही है, लोगों ने ट्रेंड करा का है इस टिकटॉक बैन करो इंडिया में, और उसी का नतीजा है कि लगातार जिस तरह से फ्लैग किया जा रहा है प्ले स्टोर पे टिकटॉक को, तो 4.2 से खिसककर 3.2 और फाइनली आज 2.0 रेटिंग रह गई है इस
ऐप की प्ले स्टोर पर। देखते हैं कि टिकटॉक क्या कदम निकालता है, क्या ऑफिशियल कुछ स्टेटमेंट देता है लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए, या फिर ये ट्रेंड यूं ही चलता रहेगा, क्या निकल के आता है ये तो समय के साथ में हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा। और आज की लास्ट न्यूज है दोस्तों, मोटोरोला का एज प्लस फ्लेक्सिबल स्मार्टफोन फाइनली आज फ्लिपकार्ट के थ्रू इंडिया में हो गया है लॉन्च। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 चिपसेट के साथ में 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर सैमसंग आईसोसेल इसमें मिल रहा है, और ये फ्लैगशिप काफी दुनिया भर में काफी डिमांड में है दोस्तों। एक अच्छा वेरियंट है फ्लैगशिप का, लेकिन इसके प्राइस जो है 74,799 रुपए है। वैसे इंडिया में कंपनी ने बहुत कुछ कोशिश की है इसके प्राइस को कम रखने की, बाकी देखते हैं कि सेल में इसको लोग कितना हाथ तो हाथ लेते हैं या कितना पसंद करते हैं। बाकी दोस्तों अपनी वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त, कैसे लगी नीचे कमेंट बताना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो को लगे जो शेयर कीजिए, इनवाइट कीजिए अपने फ्रेंड्स साथ, और जाते हैं तो कल चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो का घंटी घंटा जरूर दबा दी ताकि अगले आने वीडियो सुने आपको मिल सके। तब तुमने ख्याल रखिए, जुड़े रही मेरे चैनल के साथ हिंदुस्तान जिंदाबाद।